भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे आज जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार सातवीं बार वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो वह जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार सातवीं सीरीज जीतेगी। आखिरी बार साल 1997 में जिम्बाब्वे ने भारत को वनडे सीरीज में हराया था। इसके बाद 1998, 2000, 2002, 2013, 2015, 2016 में दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे सीरीज को भारत ने ही जीती है। वहीं पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। शिखर धवन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 152 रन जोड़े थे। वहीं दोनों टीमों के बीच ये भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:45 पर यह मुकाबला शुरू होगा। ये मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट का किया जाएगा। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं, यानी सोनी लिव ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके इस ऐप पर आप मैच का लाइव प्रसारण या लाइव देख सकते हैं। वही हरा स्टेडियम की पिच आमतौर पर जो है वो बल्लेबाजों की मददगार होती है। शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की संभावना है। साथ ही अच्छी स्पिन गेंदबाजी के बदौलत भी फायदा यहां पर उठाया जा सकता है। दूसरे वनडे में औसत स्कोर 280-290 के आसपास रह सकता है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में कुल 17 वनडे भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए हैं। इस मैच में यहाँ पर 15 मुकाबलों में भारत को जीत मिली है, वह जिम्बाब्वे ने 2 मैच जीते हैं। वही आज शनिवार को जो हरारे है जिम्बाब्वे की राजधानी, वहां पर मौसम साफ रहने की संभावना है। मैच के समय बारिश के कोई आसार नहीं है। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो गर्मी है वो तेज होगी। वही पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। वही एशिया कप को देखते हुए केएल राहुल आज के मुकाबले में सलामी बल्लेबाजी कर सकते हैं, यानी सलामी बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो अब तक भारत और जिम्बाब्वे के बीच 64 मैच खेले जा चुके हैं। 2 टाई हुए हैं, 52 भारत ने जीते हैं और 10 में जिम्बाब्वे ने भी जीत हासिल की है। यानी जो हेड टू हेड आंकड़ा है उसमें भारत का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। वही पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने 40 ओवर और 3 गेंदों में 189 रन बनाए थे। जवाब में भारत की टीम ने 192 रन बनाए थे और कोई विकेट नहीं खोया था। और 30 ओवर और 5 गेंदों में भारत ने यह मुकाबला खत्म कर दिया था। वही भारत की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हुई, उसमें दीपक चहर ने 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने इस मैच में 10 ओवर किए और 1 विकेट, उनको यहाँ पर बिल्कुल विकेट नहीं मिला लेकिन 1 मिनट उन्होंने कहा 36 रन उन्होंने दिए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 7 ओवर किए, 24 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट छटके। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से शिखर धवन ने 113 गेंदों में 83 रन बनाए थे। इसके अलावा शुभमन गिल ने 82 रन बनाए थे। बेहतर गेंदों में इन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्का भी जड़ा था। 113 के औसत से ये शुभमन गिल ने यहाँ पर इस मैच में रन बनाए थे। वही जिम्बाब्वे की तरफ से रनों की बौछार नहीं हुई। इधर रिचर्ड नागवा ने 34 रन बनाए, इसके अलावा चेंगवा ने 35 और इसके अलावा कोई भी जो बल्लेबाज है वो जिम्बाब्वे का भारत के बल्लेबाजों के सामने नहीं दिख पाया। बात करते हैं आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 की, तो भारत की तरफ से आज की संभावित प्लेइंग 11 में कप्तान रहेंगे केएल राहुल, शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन ये विकेट पर रहेंगे, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और दीपक चहर और इसके अलावा कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भारत की टीम की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 की बात करें तो तंडीविनासे, मरमानी और इसके अलावा काइया और इसके अलावा विलियम्स और माधेवेरा, सिकंदर रजा और इसके अलावा रेजिस चकवा कप्तान और विकेट कीपर ये रहेंगे। इसके अलावा रयान बर्ल और ब्रेड एविस और विक्टर न्यूची और रिचर्ड नागरवा इस टीम में संभावित प्लेइंग 11 में आज हो सकते हैं। आज का ये मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।